देवदासी थी। देवदासी किसे कहते हैं? जो माताएं जिंदगी भर शादी नहीं करें और ठाकुर जी को ही कृष्ण को ही अपना प्रियतम माने और संपूर्ण तन मन सब कुछ जो ठाकुर जी को दे। एक समय वो बैगन तोड़ रही थी, तोड़ते समय ये भजन गा रही थी। ये एक बहुत बड़े संतों का लिखा हुआ ये भजन है और ये भजन कहीं भी हो फिर ठाकुर जी रह ही नहीं सकते, उन ठाकुर को जाना पड़ता है। बोले क्यों? बोले ये भजन में कहते ना राधे राधे रक्त चले आएंगे बिहारी, इसमें से राधा जी की महिमा है। बोले भैया जगन्नाथ जी का जो ड्रेस है, जो कपड़े पहनते कौन सा रंग के? बोले पीले रंग की। अब जो सब पीले रंग पहने हो ना, जो आज सबके सब पासन के कलर के जो पहने हो, इसी ठाकुर यही रंग के कपड़े पहनते। बोले क्यों? राधा रानी का जो शरीर का रंग है यही रंग है, मतलब श्याम सुंदर राधा रानी का प्रति अपना प्रीति को प्रकाश कर रहे हैं। मैं राधा रानी को बहुत प्रेम करता हूँ ना, इसलिए राधा जी की अंग जैसे पैसे रंग पहनता हूँ। बोले राधा रानी कौन सा रंग की साड़ी पहनती? बोले नील रंग। बोले क्यों? बोले कृष्ण का जो रंग है वो नील है। आप लोग सुन रहे थे कि जगन्नाथ और कोई नहीं, ये जगन्नाथ कृष्ण है। बोले जगन्नाथ जी के गले में जो माला है, किसी ने ये माला को बनाया? बोले कृष्ण, राधा रानी ने ये माला बनाई। बोले जगन्नाथ जी कृष्ण के कार में जो कुंडल है, किसी चीज का कुंडल है? बोले केवल राधा रानी की नाम जिनके कान में प्रवेश करती है और किसी चीज की प्रवेश नहीं कर सकती। अभी ये भजन गा रही थी, बैगन तोड़ रही थी। अभी ये जो कृष्ण जब मंदिर छोड़ करके वो बैगन तोड़ती रही, ये भजन को गाती रही, ठाकुर जी उसको पीछे 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 चलते रहे। लेकिन ठाकुर का जो पीताम्बर था, बैगन का पेड़ आप लोग देखे हो, देखना उसमें कांटा होता है। अभी ठाकुर जी के सारे कपड़े कांटा पे लगकर फट गया और जगन्नाथ जी के शरीर में भी दाग आ गई और जगन्नाथ जी चुपचाप आकर सो गए। जब पुजारी सवेरे मंदिर खोले, देखा सारे ठाकुर के कपड़े फटे हुए और ठाकुर जी की शरीर में कांटा की दाग। अब पूरी का जो राजा वो परम भक्त है ठाकुर जी की, पुजारी बोले देखो ठाकुर जी को तो हमने नया कपड़ा पहनाया, देखो ये क्या स्थिति है। राजा ने ठाकुर जी की चरण